हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, कंगना रनौत को बीजेपी से टिकट मिलते ही ये क्या शुरू हो गया? सुप्रिया, ये क्या है? श्री सिनेट, वो जो गाली वाली लेडी। अच्छा, चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जो गाली वाली मैडम है, इसमें कोई मैनर्स नहीं है, कोई एटिकेट्स नहीं है। उसकी बातें सुन के लगता है कि किस टाइप के लोग जो हैं उनको ऐसी पोजीशंस या पोस्ट मिल जाती हैं और वो पब्लिक में इस तरह की भाषा भी यूज कर लेते हैं। सुप्रिया श्री नेट जो भी श्री नाटे जो है वो मेरे ख्याल से कांग्रेस की स्पोक्स वुमन। हाँ, बाप रे, क्या ये कांग्रेस अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा और सबसे पहले आप सभी को कंगना के ऊपर अटैक हुआ है, बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों के रंग से भरा रहे और हमेशा आप हंसते खेलते रहें। इसी ने किया होगा गाली वाली ने। लेकिन आज मैं आपको कुछ राजनीतिक नेताओं और उनके पार्टियों के असली रंग भी दिखाऊंगा। होली का दिन है, रंगों की बात हो रही है। काला रंग, उनका काला रंग दिखाना। असली रंग क्या है? पीला। उनकी असली पहचान क्या है? आज आपको ये दिखा। कल कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट दिया और जैसे ही कंगना रनौत को टिकट मिला है, मैं देख रहा हूँ कि उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। अच्छा, आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्यों कंगना रनौत पर ये चौतरफा हमले हो रहे हैं, क्यों, और साथ ही कैसे कंगना रनौत के आते ही उन पर जो ये हमले हो रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को एक्सपोज कर दिया। कैसे नरेंद्र मोदी की सच्चाई भी सामने आई है, ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि कंगना रनौत पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। जरा आप देखिए कंगना रनौत क्या कर रही है, पहले जरा इसको देखिए। आज कंगना रनौत ने होली के दिन जो है ये पोस्ट किया, उन्होंने लिखा हैप्पी होली, सभी को उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी। बहुत अच्छी बात है भाई, किसी को भी ऐसा ही करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, सारे बॉलीवुड वालों, एक्टरों को और एक्ट्रेसेस को। तो होली की शुभकामनाएं दे रही, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, जरा देखिए। ये कांग्रेस की प्रवक्ता है जो अपने आप को ज्ञान का भंडार मानती है, दूसरे को कुछ नहीं मानती। खुद पहले पत्रकार होती थी, आज पॉलिटिक्स में है, लेकिन दूसरों को गोदी मीडिया बताते नहीं थकती। इनकी भाषा को लेकर कई बार ये आलोचना का शिकार हो चुकी है। और अब इनका जरा पोस्ट देखिए, इन्होंने कंगना रनौत के लिए ये पोस्ट किया, इनके हैंडल से पोस्ट हुआ, फिर इन्होंने क्या सफाई दी है वो भी बताऊंगा। लेकिन पोस्ट देखिए, कंगना रनौत की एक फोटो लगी है, एक तरफ सब्जियों की पोस्ट फोटो लगी है और लिखा हुआ है क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। ये कंगना रनौत की फोटो, मंडी की फोटो, हैशटैग में ध्रुव राठी क्यों डाला हुआ, हार्दिक पांड्या क्यों डाला हुआ, हैशटैग मंडी, हैशटैग कंगना रनौत, हैशटैग ध्रुव राठी, हाँ वही समझ नहीं आया। और ये सब मिले हुए हैं ना, ध्रुव राठी के साथ ये ट्वीट। अब हार्दिक पांड्या का मुझे समझ नहीं, उसको क्यों किया है, कांग्रेस ही होंगे वो लोग। एक और पोस्ट आया, उसमें मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम का पोस्ट है, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा, यही इसमें भी लिखा था, और कंगना रनौत की एक फोटो लगी हुई थी। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग कंगना रनौत को फिल्मों में जब काम करते देखते, क्या उन्होंने कंगना रनौत को कपड़ों में, इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा क्या, और किस हीरोइन को नहीं देखा है? आप महिलाओं को उनके कपड़ों से जज करेंगे क्या? ये लिख तो ध्यान ही नहीं दिया कपड़ों का भी। सुप्रिया लेडी बोल रही है, क्या चरम है, खुद ले मुझे आश्चर्य होता है कि मोहब्बत की दुकान चलाने वालों को औरत बोल रही है, औरत बोल रही है, सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान, अंदर तक नफरत भरी दिखती है। खैर, इन्होंने औरत की इज्जत नहीं करना जानती। जरा इसको भी देखिए, एक और पोस्ट आया दैनिक जागरण का, नीचे क्लिप है, बीजेपी से टिकट मिलने पर कंगना रनौत ने कुछ यूं जाहिर की अपनी खुशी, मंडी लोकसभा सीट से ही क्यों चुनाव लड़ रही है एक्ट्रेस। मृणाल पांडे ये पुराने पत्रकारों में से एक है और संपादक रह चुकी है, शायद यूं कि मंडी में सही रेट मिलता है क्वेश्चन मार्क। ये भी महिला है और जरा इनका अकाउंट देखिए, मुझे तो ब्लॉक कर रखा है, मुझे किसी ने भेजा
मृणाल पांडे, और फोटो में भी एक बच्ची दिख रही है, आप खुद महिला हैं, आप आपने फोटो लगा रखी है एक बच्ची के साथ, और आप इस तरह का ट्वीट करें, शायद यूं कि मंडी में रेट चल रहा है क्वेश्चन मार्क, पता नहीं किन लोगों के साथ इनका मिलना जुलना है, ये लोग कितना हिले हुए हैं। और ये लोग वो लोग हैं जो दूसरों को पत्रकारिता सिखाते नहीं थकते। नरेंद्र मोदी के आने के बाद इन लोगों की जो हालत है ना, मैं कई बार कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का एक और टर्म और कई लोगों के लिए ना बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, जिस तरह से उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है। कोई उनको कुछ प्रताड़ित नहीं करेगा, लेकिन वो जिस प्रोसेस में फंसे हुए हैं ना, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, लगता है कि उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अच्छा, एक और भाई साहब देखिए, मोहब्बत की दुकान के भाई साहब, ये HS अहीर, इन्होंने लिखा आखिर कंगना रनौत को मंडी से भाजपा ने दिया टिकट, और नीचे जो लिखा है ये HS अहीर जो कांग्रेस के हैं, जिन्होंने राहुल गांधी की फोटो लगा रखी है, मैं तो पढ़ूंगा भी नहीं, मंडी से, और फिर उन्होंने गाली लिखी हुई, शेमलेस पीपल, ये एक कंगना रनौत, दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ दोस जगहस, ये एक कंगना रनौत है, और उनको लेकर इस तरह के दिख रहा है कांग्रेस है कैसी दिखी है। हालांकि इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ, तो सुप्रिया श्रीनेत ने क्या सफाई दी, उससे पहले बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट किया, अमित मालवीय ने लिखा, कांग्रेस सुप्रिया श्रीनेत मेक्स एन एब्नोशियस कमेंट ऑन कंगना रनौत इन एन इंस्टा पोस्ट, इट इज सो डिस्गस्टिंग दैट वन कांट हेल्प बट आस्क हाउ डज कांग्रेस कलेक्ट सो मच फिल्थ इन वन प्लेस। और इन्होंने कहा कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वाकई वो ईमानदार है अपनी चीजों, खुद ही स्पीक्स इतना गंदा, सफाई मिली, उन्होंने सफाई में क्या लिखा, उन्होंने सफाई में लिखा, someone who had access to my Meta accounts, FB and Insta, posted an absolutely disgusting and objectionable post. Oh, overstart बन रही है अब। Anyone who knows me will know I would never say that for a woman. However, apparently इसको यहाँ लिखना चाहिए, anyone who knows me will know I am the only one who can write something like this. भैया तुम्हारी तो हमें हर जगह पे भाषा देखे, हमें तो शौक लगता है एक लेडी होके किस तरह से तुम बात करती हो। ये इसी ने खुद नहीं लिखा और अब ओवर स्मार्ट बन रही है। Discovered misusing my name is being run on Twitter, which started the whole mischief and is being reported. अब ये कह रही है कि इन्होंने ट्वीट, इन्होंने पोस्ट नहीं किया FB और इंस्टा पे, इनके FB और इंस्टा का जिनके पास एक्सेस सब यही कहते हैं बाद में, तो यही सबसे बड़ा सवाल तो ये कि FB और इंस्टा का एक्सेस जिसके पास था उसको आपने ही दिया होगा पासवर्ड वगैरह। ऐसा आदमी जो इतने घटिया पोस्ट कर रहा है वो आपका सहयोगी है, और अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सही झूठ बोल रही है, आपने नहीं किया उसने ही कर दिया, इम्पॉसिबल, तो अगर आप इतनी ईमानदार है महिलाओं की इज्जत को लेकर, बताओ कौन है वो, ऐसी नहीं है तो उस आदमी पर एक्शन क्या लिया, नाम भी बताओ उसका, कौन है वो, कांग्रेस पार्टी ने क्या एक्शन लिया ये भी बताइए, और जो लोग लिख रहे हैं उन पर क्या एक्शन लिया गया ये भी जरा बताइए। पैरोडी अकाउंट को आपने रिपोर्ट कर दिया, लेकिन जिस आदमी ने इतने घटिया पोस्ट किए कंगना रनौत पर, उस पर क्या एक्शन हुआ ये भी तो बताइए, सिर्फ आपने ये कह दिया कि उसने पोस्ट कर दिया, वो सबका बहाना होता है जब बैकफायर होता है, उसने पोस्ट किया मेरे अकाउंट से, कुछ थोड़ा होता भाई, मैं जानते मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारा अकाउंट था। इस पर कंगना रनौत का जवाब देखिए, आप देखिए कितना फर्क है सुप्रिया श्रीनेत और कंगना रनौत में, और कांग्रेस पार्टी के जो लोग पोस्ट कर रहे हैं और कंगना रनौत में, और बाकी जो लोग कर रहे हैं कंगना रनौत पर हमले। कंगना रनौत ने कोई गाली गलौज तक नहीं की, कंगना रनौत ने लिखा, डियर सुप्रिया जी, इन द लास्ट 20 years ऑफ माई करियर एज एन आर्टिस्ट आई हैव प्लेड ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन, फ्रॉम अ नेव गर्ल इन क्वीन टू अ सेडक्टिव स्पाई इन धाकड़, फ्रॉम अ गॉडेस इन मणिकर्णिका टू अ डेमन इन चंद्रमुखी, from a prostitute in Rajjo to a revolutionary leader in Thalaivi. We must free our daughters from the shackles of prejudices. We must rise above the curiosity above their body parts. And above all, we must refrain from using sex workers' challenging lives or circumstances as some kind of abuse or a slur. Every woman deserves her very good dignity. Very good. ये है कंगना रनौत का जवाब। अच्छा जवाब दिया। वो कह रही है कि हर महिला को ये डिफरेंस बीजेपी वालों का और इनका कांग्रेस का। कोई गाली नहीं, कोई फिल्म। मतलब जो भी कंगना रनौत के एडवाइजर्स हैं, कंगना रनौत जो हैं, they have written a very good statement. ऐसे हमले जो है वो झेल रही। इतना ही नहीं, आप देखिए अब उनका पुराना ट्वीट भी निकाल के लोग डाल रहे हैं। किसी ने डाला कि भाई उन्होंने तो पहले ट्वीट किया था 2021 में कि भाई मैं जो है वो 2019 में मुझे हिमाचल प्रदेश से ग्वालियर से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था,
I was given the option of Gwalior during 2019 Lok Sabha elections. Himachal Pradesh population is hardly 60-70 lakhs, no poverty, crime. If I get into politics, I want a state with complexities I can work on and be the queen. I am in that field also. Small fry like you won't understand big talks. Yani, unhone kaha ki bhai mujhe aap Himachal Pradesh ki jagah koi chunautipurna jagah aur ho, jahan par main kuch kaam kar sakun, kuch apne apne yahan se shuru kariye pehle. तो ये याद दिलाने से क्या होगा, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो हिमाचल से लड़ना नहीं चाहती थी? अरे वो तो कह रही है और चुनौती लेना चाहती है, चैलेंज चाहिए मुझे, तरह की स्थिति नहीं है, इतना क्राइम नहीं है। लेकिन ये लोग क्यों कंगना रनौत पर हमलावर है, मैं आपको बताता हूँ। इनके अंदर ये जो भी लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सारे लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जो कंगना रनौत पर चौतरफा हमले करते हैं, उनका दफ्तर गिराते हैं, वो सारे लोग आपको पता है उसी सोच से कंगना रनौत पर हमलावर होते हैं जिस सोच से वो नरेंद्र मोदी पर। और वो सोच ये कहती है कि ये लोग कैसे कर सकते हैं ये काम, कैसे कोई नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर दिल्ली में काम करके दिखा सकता है? और बाबा जीतता इलेक्शन, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वही राज करेंगे। बात ये, कुछ लोगों को लगता है कि कैसे कोई जमीन से उठी हुई कंगना रनौत फिल्मों में नाम कर ले और उसके बाद अब आकर पॉलिटिक्स में उसको टिकट भी मिल जाए, ये बात उनको हजम नहीं होती। उनको लगता है वो भी बीजेपी जैसी पार्टी में जब टॉप की है अभी, कैसे खुलकर बोल देती हैं, कैसे हिंदुत्व के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं, कैसे चुनौतियां ले लेती हैं, कैसे सामने से अपनी राजनीतिक लड़ाई हो, वैचारिक लड़ाई हो, उसको लड़ती हैं और नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं करती थकती। ये सारी बातें लोगों को हजम नहीं होंगी भी नहीं, जैसे लोगों को हजम नहीं होता था कि कोई नरेंद्र मोदी कैसे दिल्ली में राज कर रहा है। सबसे बड़ी सोच जो है ना नरेंद्र मोदी के का विरोध करने वालों की, उनको लगता है कि ये आदमी हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, क्योंकि जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं उनको लगता है हमने तो दिल्ली को कंट्रोल में करके रखा था यार, हमने तो प्रधानमंत्रियों में किस कौन कैबिनेट में होगा इस पर चर्चाएं की हैं, ये कौन आदमी आ गया जो हमें घुसने नहीं दे रहा, ये कौन आदमी आ गया जो हमें अपने फ्लाइट में बैठा के नहीं ले जा रहा। देख लो ये सुप्रिया की मेंटालिटी, और उसने ही पोस्ट लिखा है, कौन होता है जो किसी को भी दे देगा कि तू मेरा अकाउंट में कुछ भी पोस्ट कर दो, क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तुम्हारा अकाउंट है, तुम्हारे नाम से जा रहे हैं पोस्ट, अगर किसी ने लिखा भी है तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा ही नाम बदनाम होगा। अब उसके बाद अगर तुम अपने ये जो गलत काम किया उसको सोचो कि मैं झाड़ लूंगा, वो झाड़ा नहीं जाएगा ऐसे बेकार के एक्सक्यूजेस बना के। वो लेडी की ऑलरेडी जो है सारी डिटेल्स पीछे की, ऐसा ओपिनियन बना हुआ है कि जैसे वो बोलती हैं, जैसे गालियां देती हैं, उस लेडी का एक ओपिनियन बना हुआ है और वहीं से उसी टाइप का आता है जो उस नेचर को सूट करता है वही आता है। तो अब क्या है कि ये सब करने के बाद उनका बैकलैश आ रहा है तो वापस जाने के लिए मैंने तो किया ही नहीं, बट इट वॉज योर अकाउंट, अगर तुम्हारे अकाउंट से किया है और ये सब वो तो और उसके अपॉलॉजी भेज दी, मगर जो तुमने करना था वो तो कर दिया और बीच में और लोग भी आ गए जो आलतू फालतू बोल के चले गए, तो तुम्हारे ही साथ ही जो भी, इससे पता चलता है कांग्रेस ने दिखा दिया कि वो कितनी बकवास पार्टी है, यही नजर आया बस। और इससे ये पता चल गया बीजेपी ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन, करेक्ट डिसीजन लिया है कंगना को टिकट देके, क्योंकि जहां पे मतलब ये कांग्रेस और बाकियों को तड़पन शुरू हो, समझ लो ये काम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कांग्रेस तो देश को आगे बढ़ाने, ये भी कह रही है जहां जहां आपने किसी इंसान की लाइफ हेल कर दी उसको बना दो, वही कर रही है, वही किया बीजेपी ने, यहां जहां तुमने किसी की लाइफ खराब की, अननेसेसरी पंगे में डाला, लो उसी को पॉलिटिक्स। वेस्ट बंगाल में भी वैसे ही किया, लेडी को किया है कि भैया तुम पात्रा नाम से थी, उनको किया है कि तुम लड़ो इनके खिलाफ। यहाँ पे कंगना के साथ बॉलीवुड वालों ने सबने कितना किया था, उनको कहा कि अब तुम लड़ो यहाँ पे खड़े होकर और फिर तुम लाओ। और कई बॉलीवुड वाले भी जो होंगे वो भी बड़े दुखी और तकलीफ में होंगे ये देख के कि कंगना की इतनी पोजीशन पे आ रही है। देखो देखो कैसे हो रहा होगा, हो सकता है इसके बाद जो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भी थोड़ी, मैं भी वही साफ सुथरी हो। हाँ, मेरे को भी वही लग, मैं सोच रही थी कि उससे कुछ तो सफाई होने के चांसेस, होप हो रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।